नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज का सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर्स अबाउट AWPL। आज तारीख हो गया 19 जून 2021। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी सेशन हुए हैं उन सारे सेशन का थीम ये था कि उन सेशन में क्वेश्चन किए जाते थे, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको उस सेशन में कमेंट सेशन में जाकर आपको उसके आंसर लिखने थे, और नेक्स्ट वीडियो में उस सेशन के सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा बताए जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा थीम इसका चेंज हो गया है। अब जो क्वेश्चंस आपसे इस सेशन में पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेशन में देने हैं, और वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इस सेशन के इसी सेशन में दे दिए जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है वेनेडॉक ऑयल। AWPL का वेनेडॉक ऑयल किस काम में आता है? दोस्तों आपको कमेंट सेशन में जाकर बताने हैं कि AWPL का वेनेडॉक ऑयल किस काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AWPL का जेसी जेल किस काम में आता है? जी हाँ दोस्तों, इसको कमेंट सेशन में आपको लिखने हैं कि AWPL का जेसी जेल किस काम में आता है। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है AWPL का एलर्जी डॉक रस, इसको कौन कौन से तत्वों से मिलाकर बनाया गया है? इसके कंपोजिशन के नाम लिखने हैं कमेंट सेशन में आपको जाकर AWPL के एलर्जी डॉक रस के कंपोजिशन। और इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, AWPL का XH-DOC प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, XH-DOC प्रोडक्ट AWPL का जो है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आपको कमेंट सेशन में बताने हैं। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर। दोस्तों AWPL का एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर, इसके कंपोजिशन के बारे में बताना है कि इसमें कौन कौन से तत्वों को मिलाकर एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर को बनाया गया है, उसको आपको कमेंट सेशन में लिखने हैं। दोस्तों इस सेशन में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप जानते होंगे। तो जल्द से जल्द कमेंट सेशन में इसको लिख डालिए। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। तब तक हम बात करते हैं एक्स व्हीट ग्रास पाउडर की। दोस्तों एक्स स्वीट ग्रास पाउडर जो है ये न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। इसके अलावा इसका यदि हम बात करें डायरेक्शन फॉर यूज के बारे में, तो 2 से 5 ग्राम तक दिन में 2 बार इसको बिफोर मील लेना है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और इसको आपको जो स्टोरेज इसका है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, उसके बाद आपको डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचा कर रखना है, और 1 मंथ के अंदर ही आपको इसको इस्तेमाल कर जाना है। तो ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन था और नॉलेज था एक्स व्हीट ग्रास पाउडर के बारे में, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस सेशन में पूछे गए सवाल के जवाबों के बारे में। तो दोस्तों इस सेशन का पहला क्वेश्चन था वेनेडॉक ऑयल के बारे में, कि वेनेडॉक ऑयल किस काम में आता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वेनेडॉक ऑयल जो है किसी दर्द या सूजन वाले स्थान पर इसको लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों के पैरों में कहीं एक जगह बहुत सारी नसें इकट्ठी हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था उसमें जेसी जेल के बारे में, कि जेसी जेल क्या है, ये किस काम में आता है। तो जेसी जेल जो है जोड़ों के दर्द, सिर दर्द या सर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ भी हमको कहीं भी दर्द, जैसे गर्दन में कहीं दर्द है या हमारे हाथों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, तो इसे इस्तेमाल करते हैं जेसी जेल जो है। जेसी ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं इसके बदले हम, और जेसी ऑयल के बदले जेसी जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये AWPL का प्रोडक्ट है। इसके बाद हम इस सेशन का 3rd क्वेश्चन जो है एलर्जी डॉक रस के कंपोजिशन के बारे में पूछा गया था। तो इसमें बता दें कि एलर्जी डॉक जो रस है ये एलर्जिकल प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होता है,
और इसके जो कंपोजिशन है, पहला है गिलोय, इसमें गिलोय मिलाया गया है, नीम मिलाया गया है, तुलसी है, ब्राह्मी है और हल्दी है। ये सभी के सभी ड्राई फॉर्मेट में इसमें मिलाए गए हैं एलर्जी डॉक्रस में। और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्स एच डॉक के बारे में था। एक्स एच डॉक जो है ये एक सैनिटाइजर है, इसको हम सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी पब्लिक प्लेस में है, कुछ हमसे टच हो गया है तो वहाँ हम अपने आप को क्लीन कर लेना है, अपने हाथों को, कहीं भी टच हो गया उसको अपने हाथों को क्लीन कर लेना है। ये बहुत ही एक अच्छा सैनिटाइजर है AWPL का। उसके बाद हम बात करते हैं इस सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर के बारे में। इसमें कंपोजिशन उसका पूछा गया था, तो दोस्तों बता दें ये बहुत ही बेहतरीन मेहंदी पाउडर है और इसके कंपोजिशन है, सबसे पहले तो इसमें मेहंदी पाउडर ही मिलाया गया है, इसके अलावा आंवला पाउडर है, भृंगराज पाउडर है, नीम पाउडर है, शिकाकाई पाउडर है, तुलसी पाउडर है और टी पाउडर है। तो इतने सारे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स की मदद से एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर बनाया गया है। इसे आपको एक बार इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करके इसका रिजल्ट आपको शेयर करना चाहिए। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और दोस्तों एक बात और, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, अपने टीम में शेयर करें इसे, AWPL की टीम में। इससे बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलेगा, जो भी फाइटर फ्रेशर हैं उनको अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो लोग इस चैनल में नए हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंड लास्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। और दोस्तों कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।